good morning students today we are going to start exercise number c in the previous video we have completed exercise number a and b today we are going to start exercise number c given on page number 20 so here our question is pick out the pronouns from the following sentences and write them in blank spaces so we have to pick out the pronouns so you know very well what are pronouns Aapko pata hai? फर्स्ट वन इज जैक्स मदर गेव हिम एन ऑरेंज तो यहाँ पे हमें पता है कि नाम की जगह जो हम लगा देते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउंस तो यहाँ पे हिम क्या है प्रोनाउन है तो हे आई एम गोइंग टू राइट हिम एच आई एम हिम बिकॉज इट इज अ प्रोनाउन सो वी हैव टू राउट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोनाउन एंड राइट इन टू द

नाम है लड़की का तो हम इसमें क्या लगा देंगे शी एस एच ई शी शी लाइक मैथ्स सेकेंड वन इज डैश आर अ गुड ड्राइवर सो वी आर गोइंग टू राइट देयर यू आर अ गुड ड्राइवर थर्ड वन इज़ गिव डैश योर बुक गिव हिम योर बुक तुम उसे अपनी बुक दे दो डैश आर माई नेबर्स तो यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे they are my neighbors dad has given dash a diary dad has given her a diary h e r her so here we have completed our exercise number c and d now we are going to start our exercise number e that is the last exercise of this chapter choose correct pronouns and fill in the blanks so here it is written the bird sat on a branch dash had a worm in its back तो हम बर्ड के लिए क्या यूज करेंगे इट तो यहां मैं लिखूंगी इट जॉन वॉज नॉट हैप्पी डैश हैड अ बैड कोल्ड तो यहां पे जॉन बॉय की बात हो रही है इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे एच ई ही थर्ड वन इज पीटर एंड डियाना वर एक्साइटेड डैश वर गोइंग टू द सर्कस तो यहाँ पर टू परसेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर हम ही और शी नहीं लगा कर क्या लगाएंगे दे क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन की बात हो रही है तो जब हम एक दो एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं प्रोनाउन दे तो हम यहाँ लिख देंगे टी एच ई वाई दे देन फोर्थ वन इज माई मार्क्स आर नॉट गुड डैश डिड नॉट स्टडी वेरी हार्ड यहाँ पर माई मतलब खुद की बात हो रही है तो वो जब खुद की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं आई मी माई इन माई तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है आई सो so, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं आई आई नॉ फिफ्थ वन इज़ जूली इज़ अ गुड स्टूडेंट डैश डज हर होमवर्क जूली गर्ल के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पर लिख देंगे शी

पूरी एक्सरसाइज मीन्स ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स आपको इंग्लिश ग्रामर कॉपी में लिख लेना है एंड हेयर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड एंड दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू दिस इन योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी एज वेल